नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्टाइल के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लोकल सर्च इंजन है। अगर हम बात करें शॉप्स को ढूंढने की और इंडिविजुअल वेंडर्स लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, इन सारे लोगों को ढूंढने की, तो दोस्तों आज हम इस कंपनी के एक ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है बिजनेस क्या करती है, कंपनी एक्चुअल में क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कमाती कैसे है, और फिर हम एक क्विक रेशियोज का एक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा और फिर लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा कि अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग बनती है कि नहीं। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम बात करना। अब दोस्तों जस्टाइल को आप सभी लोग जानते हैं कि जस्टाइल है क्या भाई। इसमें जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अपनी दुकान की प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें बेसिक डिटेल्स लाइक दुकान का नाम, मोबाइल नंबर और जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो सारी डिटेल्स ये लोग एंटर करते हैं दुकानदार। तो इसी चीज़ का जस्टाइल के पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसमें कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा शॉप्स इंडिया की जस्टाइल के अंदर लिस्टेड है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, सारे बिजनेसेस आपको जस्टाइल पे लिस्टेड मिल जाएंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो। और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये सारे लोग लिस्टिंग है। तो दोस्तों अब जब इतने सारे लोग लिस्टेड हैं जस्टाइल में तो इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। और जैसे मान लीजिए अगर मेरी प्लाईवुड की शॉप है और मैंने अपनी लिस्टिंग जस्टाइल के अंदर बना के रखी है, और मान लीजिए मेरी जो शॉप है वो इंदौर रीजन में है मध्य प्रदेश के, तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे प्लाईवुड सेलर्स होंगे जो अपनी प्लाई प्रोडक्ट्स बेच रहे हों, तो अगर मुझे उनसे अच्छा विजिबिलिटी चाहिए जस्टाइल की वेबसाइट पे तो मुझे उनकी पेड लिस्टिंग को बाई करना रहेगा, जिसकी कॉस्ट कुछ मेरे ख्याल से 26,000 के आसपास है अभी जस्टाइल की। तो ये लोग का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है दोस्तों वो पेड लिस्टिंग से आता है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं बात करूँ वो प्लाईवुड सेलर वाले एग्जाम्पल की, तो प्लाईवुड सेलर भी जानता है कि भाई 100 से भी ज़्यादा दुकान होंगी इंदौर के शहर में, तो अगर उन्हें जस्टाइल की वेबसाइट के टॉप पे दिखना है तो उन्हें वो पेड लिस्टिंग बाय करनी चाहिए। तो ये इनका मेजर सोर्स है दोस्तों। और पेड लिस्टिंग बाय करने का फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि जो उनके कस्टमर्स हैं जो जस्टाइल पे सर्च करते हैं प्लाईवुड के बारे में इंदौर रीजन में, उनका जो भी डेटा है, कस्टमर का मोबाइल नंबर और नाम वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो है वो पेड लिस्टिंग मेंबर्स को भेज दी जाती है जस्टाइल के द्वारा। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स का यूज़ है दोस्तों ये भी जस्टाइल करता है। तो पेड लिस्टिंग और डेटा एनालिटिक्स ये जो दो सोर्स हैं दोस्तों, ये इसमें ये लीड सेल कर रहे हैं, तो ये तो मेजर सोर्स हैं, से इनका 90% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब अगर मैं तीसरे सोर्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये क्लासिफाइड एड्स जो है अपनी वेबसाइट पे चलाते हैं, अपने मोबाइल एप्स पे चलाते हैं। अब इन्हें एड्स चलाते वक्त इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एड हो वो क्वालिटी वाला हो, और जो एड अगर चल रहा है इनकी वेबसाइट या ऐप पे उससे यूज़र एक्सपीरियंस ना बिगड़े। तो इनके अगर हम मेजर रेवेन्यू सोर्सेज को देखें तो पेड लिस्टिंग, डेटा एनालिटिक्स और क्लासिफाइड एड्स, ये तीन इनके मेजर रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। और इनका जो चौथा सोर्स है दोस्तों वो इनका जेडी ओमनी वेबसाइट है, जिसपे ये वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह करते हैं, और इसके साथ ही में जस्टाइल के पास न्यूज़ वगैरह के भी प्लेटफॉर्म है। तो बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर मैं इनके ट्रैफिक सोर्स की बात करूं दोस्तों, ट्रैफिक सोर्स से मेरा मतलब है कि जस्टाइल का जो एप्लीकेशन है या जस्टाइल की जो कंपनी है उसमें कस्टमर रीच कैसे कर रहा है, कस्टमर कांटेक्ट कैसे कर रहा है जस्टाइल को, वो यहाँ पे एक ट्रैफिक सोर्स का डेटा दिखा रहा है। 80% लोग मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, 15% लोग डेस्कटॉप पे वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, और 5% ऐसे कस्टमर हैं जो वॉइस कॉल करके जस्टाइल से डिटेल्स दे रहे हैं शॉप्स और इंडिविजुअल वेंडर्स के बारे में। अब अगर मैं कुछ अच्छे फैक्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो जस्टाइल को यहाँ पे 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस लोकल सर्च इंजन के बिजनेस में, और ये पहले काम किया करते थे टेलीफोन डायरेक्टरी बेस्ड मॉडल पे, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था, और जस्टाइल को जो है लोग और कस्टमर्स अपने टेलीफोन से फ़ोन किया करते थे और पूछा करते थे पर्टिकुलर बिजनेस और वेंडर्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं भाई इनकी बिजनेस लिस्टिंग की, तो मैंने आपको बताया था कि 8 करोड़ से भी ज़्यादा इनके पास बिजनेस लिस्टिंग्स हैं इंडिया के अंदर, और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक प्लम्बर्स, कारपेंटर लोग लिस्टेड हैं। तो दोस्तों जो खास ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनका जो 69.7% रेवेन्यू है वो टॉप की 11 सिटीज से आता है, और ये सिटीज़ टीयर 1 सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई।
तो इन 11 सिटीज से अगर इनका 70% का रेवेन्यू आ रहा है जो कि टीयर वन सिटीज है, तो आप सोच सकते हैं कि जो टीयर टू सिटीज या टीयर थ्री सिटीज हो गई जैसे कि भोपाल, इंदौर, इन जो सिटीज हैं उनसे ये कितना रेवेन्यू अब कमा सकते हैं अगर उस पर ये लोग ढंग से फोकस कर ले तो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। और जो मोबाइल डेटा की कॉस्ट है दोस्तों वो भी अभी बहुत कम हो गई है, मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी दोस्तों के लोगों के पास ज़्यादा आ गई है, तो अब मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं तो वो जस्टाइल का ऐप भी ज़रूर यूज़ करेंगे ही अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे जस्टाइल के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें फंडिंग की तो फैब पार्टनर, सिक्योरिया कैपिटल, ट्राइगर, ग्लोबल सैप ऐसी कंपनी से इसको फंडिंग मिली है इसलिए आज इतनी सक्सेसफुल है। और कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सुलेखा डॉट कॉम और गूगल जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं इनके। गूगल दोस्तों एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके बावजूद भी गूगल जो है वो अच्छे से कम्पीट नहीं कर पा रही है जस्टाइल से, क्योंकि जस्टाइल का जो नेटवर्क है दोस्तों वो अनबीटेबल है, बहुत अच्छा नेटवर्क है इनका। और जब भी कोई सर्च क्वेरी करता है कस्टमर तो उसका इनके पास रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया होता है, डेटाबेस की क्वालिटी अच्छी है। अगर कोई शॉप इन पे लिस्टेड है, इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, तो वो डेफिनेटली रियल में एग्जिस्ट करती होगी कुछ भी। ये लोग अपने डेटाबेस को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, कुछ भी आपको फ्रॉड चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और वर्ड ऑफ माउथ प्रेजेंस की वजह से जस्टाइल जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, क्योंकि लोग वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते थे जस्टाइल की। अब अगर हम इनके प्रमोशन मेथड्स की बात करें तो दोस्तों इनका एक मोबाइल नंबर है जो अगर आप 8 को 10 बार टाइप करेंगे तो ये जस्टाइल का मोबाइल नंबर है, और इनको आप मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप, वेबसाइट और मोबाइल से तीनों से आप इनको क्या कहते हैं जस्टाइल के जो प्लेटफॉर्म को है उसको विजिट कर सकते हैं आप। इन्होंने डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ किया था, और ये लोग एयरपोर्ट्स और ट्रैफिक एरियाज होते हैं वहाँ पे इन्होंने होर्डिंग लगा के भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन किया है, अमिताभ बच्चन जी को भी लिया है। और आईपीएल में दोस्तों 2014 में अगर हम बात करें तो आरसीबी की टीम को इन्होंने प्रमोट भी किया था। और इनके अगर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करें तो भाई पहला मूवर था मार्केट में, इसी वजह से सक्सेसफुल है, स्केलेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नेटवर्क अच्छा है, रिलीजेबिलिटी अच्छी है, ये सारे इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। अब अगर मैं जस्टेल के मार्केट कैप की बात करूँ तो 4,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों वो 734 रुपये चल रहा है। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ तो वो 17 का है, और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 15% से दोनों ऊपर है, आरओसी 22% के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास है। तो इनके जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और पी रेशियो बस 16.9 का है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी बहुत अंडर वैल्यूड है, और इसमें जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत बढ़िया है। हम ज़्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये रीजनेबली वैल्यूड तो डेफिनेटली है। अब अगर मैं इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो 0.07% है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38% से भी ज़्यादा है, 38 टाइम से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट का चांस तो बनता ही नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, पिछले साल इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% से भी ज़्यादा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ये जता रही है भाई, ये नंबर्स बता रहे हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, सुपीरियर कंपनी है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं भाई कि क्या चार्ट्स पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं। दोस्तों अभी जो जस्टाइल है उसका अगर हम 50 डेज का मूविंग एवरेज देखें जो कि ये रेड लाइन दिखा रही है तो 620 रुपये के आसपास ये दिख रही है, ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है जस्टाइल के लिए मेरे हिसाब से। और अभी जो करेंटली इसका प्राइस है वो 670 रुपये दिख रहा है इसमें। और दोस्तों मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं अभी जस्टाइल की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये 620 रुपये के लेवल के आसपास आता है तो आपको बाई करना चाहिए। अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टॉक है ये बढ़ना शुरू हो गया है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हो तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड करें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई भी बाइंग करना बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अभी बाय करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। हो सकता है अगर आप अभी बाय कर लें तो आपको रिटर्न अच्छे मिल जाए, लेकिन अगर मार्केट गिरता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, और अगर मार्केट गिरता है तो इस स्टॉक में आप बहुत अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। तो आप इसको
होल्ड करें अगर आपने बाय किया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी भी प्रकार की अभी नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस जस्टाइल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।